अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं सेम ह्यून सेचुरेशन को यूज़ करके आपको इस इमेज में इसका जो आईज का कलर है वो चेंज करके दिखाऊंगा बिल्कुल प्रोफेशनली। अगर आपके पास कोई, जिसे आपने देखा होगा कि लेंस वगैरह में जो आई के होते हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें एक ही मॉडल की इमेज होती है विथ डिफरेंट आईज कलर उनके उन्होंने यूज़ किए होते हैं, तो वो भी वो लोग वो जो पोस्टर वगैरह है वो फोटोशॉप में बना रहे होते हैं। तो मैं आज आपको वही टेक्निक बताता हूँ कि किस तरह वो लोग आईज का कलर जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। पहला तरीका तो सिंपली ये है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो इस तरह एलिप्टिकल मर्की टूल लेके आईज की सिलेक्शन बनाते हैं लाइक ऐसे, उसके बाद कंट्रोल यू प्रेस करके जो है वो कलर चेंज कर लेते हैं कंट्रोल यू से। अब इसको मैं डिसलेक्ट करता हूँ। अगर आप इसको देखो तो ये इतना प्रोफेशनल नहीं लग रहा और ये एडिटेड लग रहा है, और बाद में इसमें चेंजिंग वगैरह भी नहीं हो सकती। तो ज़्यादा बेटर तरीका क्या है कि आप एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करें और आईज़ की जो सिलेक्शन है वो भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से लें। अब आईज़ की सिलेक्शन जब मैं एलिप्टिकल मर्की टूल से लेता हूँ तो वो परफेक्टली जो है सिलेक्शन नहीं आ रही है, आप देखें। नहीं आ रही परफेक्टली सिलेक्शन। तो मैं काम करता हूँ, मैं ब्रश टूल से सिलेक्शन लूँगा इसके। मैंने आपको अभी तक ब्रश टूल वैसे नहीं पढ़ाया। ब्रश टूल यहाँ पे होता है सिंपल, ब्रश का बेसिकली काम होता है ड्राइंग करना। जैसे जैसे आप इसे पेंट करोगे तो आपके पास यहाँ पे ड्राइंग्स होंगी और काफ़ी सारे ब्रश के टाइप वगैरह होंगे ब्रश टूल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से क्विक मास्क मोड, मैंने आपको कुछ वीडियोज में यूज़ करके दिखाया हुआ है, आप यहाँ से क्विक मास्क मोड को ऑन करेंगे। सिंपली क्यू को प्रेस करके भी ऑन कर सकते हैं। और अब आप इस आई पे पेंट करेंगे। अब मैं ब्रैकेट यूज़ करके ब्रश को छोटा करता हूँ और यहाँ पे अच्छा इसकी जो हार्डनेस है वो भी थोड़ी मैं बढ़ा देता हूँ ताकि यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट ना आए। ओके तो यहाँ पे मैंने इसकी आईज का कलर चेंज कर लिया है। नहीं, ये जस्ट हम सिलेक्शन ले रहे हैं एक्चुअली में। क्विक मास्क मोड में जब भी कभी आप कुछ ड्राइंग करते हो ना, तो जब क्विक मास्क मोड को आप ऑफ करोगे तो उस एरिया को छोड़ के बाकी पूरी इमेज जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो मैं आईज को इसीलिए कर रहा हूँ क्विक मास्क मोड में ऐड, क्योंकि पूरी इमेज सिलेक्ट हो जाएगी, बाद में उस सिलेक्शन को आसानी से इन्वर्स करके जो है वो आईज की सिलेक्शन में कन्वर्ट कर लूँगा। ऑलराइट, अब ये यहाँ पे परफेक्ट है। अब जैसे ही मैं दोबारा क्यू प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, या फिर मैं क्विक मास्क मोड को यहाँ से ऑफ करूँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन बन चुकी है पूरी इमेज की सिर्फ इन एरियाज को छोड़ के। तो मैं सिलेक्शन को कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्स करता हूँ। अब मेरे पास इस इमेज की बजाय ये जो आईज हैं ये सिलेक्टेड है। और वापस अगर आप जाएँ तो मैंने आपको लेयर्स के चैप्टर में कॉपी बनाना बताई थी, लेयर विया कॉपी। अगर आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो जो भी आपने सिलेक्शन ली थी उसकी आपके पास एक अदद यहाँ पे जो कॉपी है वो आ जाएगी। अब क्योंकि मैं कॉपी मैंने क्यों बनाई, क्योंकि मैं जो एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करना चाहता हूँ वो इस लेयर के ऊपर करना चाहता हूँ, पूरी इमेज पे नहीं अप्लाई करना चाहता। तो उसके लिए मैंने इसकी कॉपी बना ली। कॉपी बनाने के बाद अगर आप ऐसी एडजस्टमेंट लेयर में जाते हैं, ह्यून सैचुरेशन चूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे वो पूरी इमेज में हो रहे हैं चेंज कलर। तो मुझे इस एडजस्टमेंट लेयर को इसके अंदर क्लिप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अल्ट प्रेस करके यहाँ पे इसको क्लिप कर सकते हैं। दोबारा इसको ऐड करता हूँ, एडजस्टमेंट लेयर और ह्यून सैचुरेशन, उसको फिलहाल मैंने बंद किया। और एक काम करता हूँ, मैं अल्ट प्रेस करके यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब ये वाला जो लेयर है ये जस्ट इसको इफेक्ट करेगा। तो मैं इस पर अब डबल क्लिक करके जो अपने कलर एडिट करता हूँ, इसको कलराइज कर लेते हैं। और आई थिंक थोड़ा सा मैं इमेज को जूम करूँ ताकि आपको इसका रिजल्ट सही से नज़र आए। ओके, डबल क्लिक। और यहाँ पे आप इसकी आईज का कलर जो भी रखना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं। और क्योंकि मैंने एक अलग से एडजस्टमेंट लेयर यूज़ किया हुआ है तो अब ये इतना नेचुरल नहीं लग रहा। तो मैं काम करता हूँ इसकी जो ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा मैं
कम कर देता हूँ, या ब्लेंडिंग मोड के साथ भी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको जूम आउट करें और अगर मैं ये दोनों लेयर्स यहाँ से ऑफ करूँ, तो आप देखेंगे कि आपके पास ये ओरिजिनल इमेज थी और ये हमने आज का कलर चेंज करने के बाद इसको कुछ इस तरह कन्वर्ट किया। अगर आप पहली दफ़ा इसको देखेंगे तो काफ़ी हद तक ये इस तरह लग रहा है कि ये ओरिजिनली इनके जो आइज़ का कलर है वो ऐसा था। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।